हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त पीटर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पीटर हाजिर है पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने ऑल टाइम फेवरेट मूवी स्टार संजय दत्त के बारे में, जिन्हें हम संजू बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं उनसे जुड़े कुछ लेसर नोन फैक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, संजय दत्त का पूरा नाम है संजय बलराज दत्त। जी हाँ दोस्तों, और संजय नाम उनके पिता सुनील दत्त साहब और माताजी नरगिस को एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ये नाम मिला था। फ्रेंड्स, अपने 42 मंथ्स के जेल के टेन्योर के दौरान संजू बाबा जो है वो जेल में पेपर बैग बनाया करते थे और उन्हें जो है 25 रुपये पर डे के हिसाब से मेहनताना मिलता था। फ्रेंड्स, इस तरह से संजू बाबा ने जेल में तकरीबन कोई 30,000 से ज़्यादा रुपए कमाए थे, बट जब उनकी रिहाई हुई तो उनका बैलेंस सिर्फ 450 रुपीज़ था, क्योंकि सारा का सारा पैसा जो था वो कैंटीन के बिल चुकाने में चला गया था और ये पैसा उन्होंने अपनी पत्नी मान्यता को एक टोकन ऑफ लव के तौर पर दिया था। फ्रेंड्स, संजय दत्त को दो फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं करियर में। एक तो 1999 की फिल्म वास्तव के लिए बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में। Happy to announce that the best actor for the year is Sanjay Dutt for Vastav. और 2004 की आइकॉनिक रिलीज मुन्ना भाई MBBS में बेस्ट कॉमेडियन की कैटेगरी में। बोले तो संजय दत्त ऑफ कोर्स। फ्रेंड्स, संजय दत्त ने सबसे पहले जब सिगरेट फूकी थी तो वे महज 9 साल के थे। फ्रेंड्स, एक समय था जब संजू बाबा एक्टिंग को जो है टाटा बाय बाय कह के USA जाना चाहते थे और वहाँ पे बेसिकली उनको फार्म बिजनेस रन करने का एक ऑफर भी आया था। फ्रेंड्स, संजू बाबा के बॉडी बिल्डिंग के जो आइडियल हैं वे हैं द हॉलीवुड लेजेंड आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। फ्रेंड्स, संजू बाबा की सबसे पहली शादी जो है वो एक लेसर नोन एक्ट्रेस रिचा शर्मा से हुई थी, जिनका कैंसर के कारण देहांत हो गया था, और उनसे उन्हें एक बेटी भी है जिसका नाम है त्रिशला दत्त, जो अमेरिका में अपने नाना नानी के साथ रहती हैं। फ्रेंड्स, कम लोगों को पता है कि उनकी जो एक आइकॉनिक फिल्म है मुन्ना भाई MBBS, उसमें मुन्ना का रोल पहले शाहरुख खान को ऑफर हुआ था और संजू बाबा को जहीर का रोल ऑफर हुआ था, जो बाद में जिमी शेरगिल ने प्ले किया था। फ्रेंड्स, अभिषेक बच्चन की फिल्म ब्लफ मास्टर में जो लीड रोल था वो बेसिकली पहले संजय दत्त को ऑफर हुआ था। फ्रेंड्स, संजू बाबा की दूसरी शादी जो है वो मॉडल रिया पिल्लई के साथ हुई थी, जो कि बहुत ही एक प्राइवेट अफेयर था। फ्रेंड्स, संजू की थर्ड वाइफ जो है उनका नाम है मान्यता दत्त, लेकिन उनका असली नाम जो है वो है दिलनवाज शेख। ये एक लेसर नोन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने शुरुआत में छोटी मोटी फिल्मों में काम किया था। फ्रेंड्स, संजू की स्कूलिंग जो हुई है वो द लॉरेंस स्कूल सनावर से हुई है, जो कि कसौली के पास है। फ्रेंड्स, संजू बाबा जो हैं वे कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। सनावर स्कूल से निकलने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में एडमिशन लिया था, बट ड्रॉप आउट कर दिया था। फ्रेंड्स, कम लोगों को पता है कि फिल्म साजन में जो संजय दत्त वाला रोल था वो पहले आमिर खान को ऑफर हुआ था। फ्रेंड्स, यरवदा जेल पुणे में संजू बाबा पेपर बैग बनाने के अलावा रेडियो जॉकी का काम भी संभालते थे और अपने जो साथी इनमेट्स थे उनका मनोरंजन किया करते थे। फ्रेंड्स, संजू बाबा सबसे पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे 1972 की रिलीज रेशमा और शेरा में दिखाई दिए थे, जो कि संजय दत्त की होम प्रोडक्शन फिल्म थी और इसका डायरेक्शन भी उनके पिताजी सुनील दत्त ने किया था।
फ्रेंड्स, संजू बाबा एक बार एलएसडी के नशे में इतने ज़्यादा मतलब धुत थे कि उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त के ऊपर छलांग लगा दी थी। उन्हें लग रहा था कि उनके सिर पे मोमबत्ती जल रही है। There is no high better than life. That's what I want to say. And there's a drug called adrenaline, which is in you. I think that's the biggest high in the world, man. It's better than coke and hash and smack and acid and crack and you name it. And quaaludes, uppers, downers, you know. बहुत कम लोगों को पता है कि सुभाष घई की फिल्म विधाता के सेट पर सुभाष घई साहब ने संजू को थप्पड़ मारा था क्योंकि वे फिल्म की एक्ट्रेस पद्मनी कोल्हापुरे के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। सुभाष घई अपनी फिल्म हीरो में भी संजू को लेना चाहते थे लेकिन बाद में वो रोल जैकी दादा ने किया। फ्रेंड्स, 2009 के आम लोकसभा चुनावों में संजय दत्त समाजवादी पार्टी की सीट से जो है चुनाव लड़ना चाहते थे, बट उनकी जो उम्मीदवारी है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। फ्रेंड्स, यलगार फिल्म की शूटिंग के दौरान फिरोज खान साहब ने सबसे पहले दुबई में संजय दत्त को दाऊद इब्राहिम से इंट्रोड्यूस करवाया था। फ्रेंड्स, संजू बाबा को टैटूज का बहुत ज़्यादा शौक है और उन्होंने अपनी चेस्ट पर एक साइड उर्दू में अपनी अम्मी नरगिस जी का नाम गुदवाया हुआ है और एक साइड अपने पिताजी सुनील दत्त साहब का नाम हिंदी में गुदवाया हुआ है। फ्रेंड्स, बहुत कम लोग जानते हैं कि संजू एक ट्रेंड एयर गिटारिस्ट भी हैं। फ्रेंड्स, बहुत कम लोगों को पता है कि मुंबई में एक रेस्टोरेंट है और वहाँ पे एक चिकन का आइटम है मेन्यू के अंदर जिसका नाम चिकन संजू बाबा रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा और मैं जस्ट आपके समक्ष पेश होऊंगा एक बहुत ही नया एक्साइटिंग वीडियो लेके। गुड बाय एंड टेक केयर।